तो ये सियाराम बाबा के तो दर्शन हो गए, भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छा लगा उनसे उनके दर्शन करके। तो अब मुझे पहुंचना है बस अपने मंजिल। इस वक्त बज रहे दोपहर के 1, मुझे भूख लग रही है पर मेरा पेट भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं। जहां पे मैं रुकूंगा वहीं पे देखूंगा, पहले एक बार फ्रेश होऊंगा फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से सफ़र करते हुए मुझे तकरीबन 30 दिन हो गए और ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी नोएडा से और नोएडा से मैं पहुंचा हूं ओमकारेश्वर अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से और अब मुझे वापस नोएडा जाना है। तो सियाराम बाबा के दर्शन यहां पे हो गए, ओमकारेश्वर में घूम के आ चुका हूं, देख के आ चुका हूं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। गर्मी हो गई है अभी, हल्की फरवरी का मंथ है पर गर्मी फिर भी यहाँ पे होने लगी है। और ओमकारेश्वर में इंदौर से चलते वक्त, इंदौर से मैं ओमकारेश्वर गया था तो इंदौर से चलते वक्त मैंने कुछ सुबह नाश्ते में कचौड़ी खा ली थी, मटर की सागर भाई ने खिलाई थी, तो उसी से लगता है थोड़ा सा पेट खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, हल्के से लूज मोशन हो गए थे ओमकारेश्वर। वहाँ पे भी मुझे मेडिसिन और ORS का घोल लेना पड़ा। फिलहाल अभी ठीक है तो अभी चलते हैं महेश्वर और महेश्वर में हम रात गुजारेंगे अपनी। तो चलते हैं महेश्वर की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये एक नर्मदा परिक्रमा वासी है जो हमें रास्ते में मिल गए। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? मैं आ रहा हूँ सियाराम बाबा के आश्रम। सियाराम बाबा के आश्रम से आ रहे हैं जहाँ से मैं आया हूँ और अभी यहाँ से आगे जाएंगे। और ये हमें जाना बिमलेश्वर सागर, वो तो लास्ट में आता है बिमलेश्वर सागर। हाँ, तो अभी जाएंगे खलघाट जाएंगे। खलघाट पहुँचना हमें। चलिए ठीक है, नंबर दे दिया मैंने आपको। हाँ है ना, मिल गया, मिलते हैं फिर कभी। अच्छा चलिए। ये मुझे एक नर्मदा परिक्रमा वासी मिल गए थे। जब आप नर्मदा किनारे चलते हैं, घूमते हुए जाते हैं तो आपको बहुत सारे इस रास्ते में नर्मदा परिक्रमा वासी मिलेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इस साइड में नर्मदा परिक्रमा की बहुत ज़्यादा मान्यता है, काफ़ी लोग करते हैं। मेरा भी बहुत मन था कि मैं नर्मदा की परिक्रमा करूं, बट ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से पॉसिबल नहीं है करवाना, बड़े दिक्कत है क्योंकि अगर इसमें कोई दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई स्कूटर में तो यहाँ का इसका कोई मैकेनिक मिल पाना बड़ा मुश्किल है। अभी ये नया सामान है जो मार्केट में आया है व्हीकल में। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ महेश्वर और महेश्वर में आज रात में रुकूंगा। महेश्वर की अगर बात करें तो महेश्वर की साड़ियाँ, महेश्वरी साड़ियाँ बड़ी फेमस हैं, लेडीज़ लोगों को मालूम होगा। और महेश्वरी फोर्ट फेमस है, माँ अहिल्या बाई जो हैं उनकी वो कैपिटल थी, वहाँ से वो अपना राज शासन देखती थी। और अहिल्या बाई का भी भारतीय इतिहास में काफ़ी बड़ा एक योगदान है, खास करके हिंदू समाज में और लड़कियों की एजुकेशन में। तो आज रात वहीं पे रुकेंगे, फोर्ट देखेंगे, घूमेंगे। और अगर इस फोर्ट की बात करें तो आपने भी ये फोर्ट देखा होगा बहुत से सीरियल्स में और मूवीज़ में, इसकी शूटिंग होती है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो बस वो फोर्ट मुझे देखना है, रात को महेश्वर में रुकना है, फिर महेश्वर से मुझे आगे जाना है। 30 दिन हो ही चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ इस जर्नी को, तो नोएडा से मैंने स्टार्ट करी थी। जब शुरू करी थी तब बहुत सर्दी थी, अभी फ़िलहाल गर्मी होने लगी है, स्वेटिंग होती है। और अभी सियाराम बाबा का दर्शन करके आ रहा हूँ। मुझे लगा था कि डिस्टेंस के हिसाब से कि बहुत कम टाइम लगेगा महेश्वर पहुँचने में, पर मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए स्कूटर चलाते हुए, काफ़ी थक गया हूँ, भूख लग रही है। बस अभी पहुंचना है और फिर देखना है क्या करना है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज है नर्मदा के ऊपर बना हुआ, ये जो आपने अभी पूरी देखी है रिवर, जो चौड़ा पार्ट था ये नर्मदा जी का था। तो बस आप इसको पार कर लिया है, ये ब्रिज करते हैं और फिर देखते हैं। अब तो खैर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुश्किल से 15-20 कुछ 7 किलोमीटर दूर ही है यहाँ से, तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। और एक बात और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ, काफ़ी स्टेट घूमा हूँ, हर स्टेट के हर जगह के लोगों की अलग एक बात होती है। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश के लोगों की तो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, सिंपल होते हैं,
सीधे होते हैं और अच्छे होते हैं। बाकी स्टेट के भी बढ़िया हैं, पर मुझे मध्य प्रदेश के लोग कुछ ज़्यादा बढ़िया और अच्छे और सीधे लगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक की जर्नी में। ये सामने कुछ केले के चिप्स वाले दिख रहे हैं, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, केले के चिप्स ही हैं। और इस रास्ते में काफ़ी जगह हैं, तो सोच रहा हूँ थोड़े से केले के चिप्स खरीद लेता हूँ। हल्के भी रहेंगे और हल्का सा पेट में कुछ चला भी जाएगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये मंडलेश्वर के रास्ते पर ये केले के चिप्स मिल रहे हैं जगह जगह, और 50 के 250 ग्राम मिल रहे हैं, तो खाए अच्छे हैं। हैं, हाँ डाल दो मसाला, ज़्यादा मत डालना। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं महेश्वर। ये सामने आप देख रहे हैं बहुत सुंदर व्यू है जो कि अगले सुबह का है, और इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सामने जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा रिवर का पार्ट है, यानी कि नर्मदा नदी रिवर यहाँ से बह रही है। सुबह का ये वक्त है, सुबह के 8 बज रहे हैं। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, और ये जगह कहाँ पर वो मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।